अभी ठीक कर देता हूँ अभी ठीक कर देता हूँ। और ये वाला साइड पैनल इस वीडियो में हम चेंज करेंगे जो भी बॉडी पार्ट्स है। उससे पहले इसमें जो जो प्रॉब्लम है, इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम है इसका शॉकर तो ठीक है बट इसका शॉकर काम नहीं करता। उसका रीज़न यही है, इसका जो ये वाला मेन स्विंग आर्म हमने खोला है, अभी खोल रहा हूँ ये वाला स्विंग आर्म है, इसका जो ये वाला बूसिंग है ये पूरा जाम है। अगर ये आपका जाम रहेगा तो आपका शॉकर ठीक है फिर भी ये काम नहीं करेगा। इसका स्विंग आर्म का हालत देख सकते हैं, पूरा रस्टिंग हो चुका है। रिकमेंडेड यही है कि इसको चेंज कर दिया जाए बट आई थिंक ये ऑर्डर देना पड़ेगा। बट फिलहाल तो हम इसको इसी को लगाएंगे। ये देखो पूरा रस्टिंग, अंदर पूरा रस्टिंग हो चुका है। तो इसको मैंने वेल्डिंग कर दिया है। फ्रंट व्हील का दोनों बियरिंग हमने चेंज कर दिया, ये देख सकते हैं एस्केप कंपनी का ओरिजिनल, ये सब कुछ हो गया है। आई मीन इसका बॉडी पार्ट फिटिंग करना बाकी और बॉडी को पूरा ओपन करेंगे। चेन जो ओल्ड हो चुका है, दैट्स द रीजन हमने इसको ग्रीसिंग किया क्योंकि साउंडर आता। तो ओल्ड चेन में आप ग्रीसिंग कर सकते हैं बट नया चेन में तो 100% मत करिए क्योंकि प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ओल्ड चेन है, चेंज होने वाला है, तो इसमें ग्रीसिंग करके मतलब इसका साउंड हमने बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई कर दिया है। इशू है ना, बिल्कुल स्मूथ है। बॉडी पार्ट इसका खोलना चालू करते हैं और आपको दिखाने वाला हूँ इसका नया बॉडी पार्ट्स का प्राइस वगैरह कितना है सब कुछ। हम अभी इस बाइक का हमने माइलेज सेटिंग कर दिया है। इसमें कार्बोरेटर का इशू था, मतलब सेटिंग नहीं किया था। इसका क्लच प्लेट मैंने पिछले वीडियो में चेंज किया था, इसका अभी ट्यूनिंग किया है। बाइक एकदम एक नंबर हो चुका है। इसको मैं पिकअप वगैरह टेस्ट करने वाला हूँ इसी वीडियो में। और इसका क्लच मैंने बोला था कि बहुत लाइट हो चुका है, तो अभी ऑन करते हैं। सभी इस बाइक का हम पिकअप चेक करने वाले हैं। बहुत पिकअप है, बहुत पिकअप है, बहुत पिकअप। ये वाला पार्ट्स हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। इसका प्राइस वो है 390 रुपीज़, देख सकते हैं। तो इसके अंदर देख सकते हैं क्या है। ये वाला पार्ट है, ये टेल सेक्शन का, ये देखो ब्रांड न्यू पीस। ये टेल सेक्शन का लोअर कवर, इसके साथ और एक कवर आता है, मतलब सब कुछ सिंगल पीस में आता है। लोअर हो गया अपर, इसका प्राइस है, इसमें मैं आपको लिखा दिखाता हूँ। ये इसका अपर टी, देख सकते हैं। और एक्चुअली कंपनी स्टिकरिंग दे के आता है तो कंपनी से ही, ब्रांड न्यू पीस हेडगन का, ये सिंगल पीस में आता है। इसका MRP है, इसका MRP है 875 रुपीज़, देख सकते हैं 875 रुपीज़, बहुत ही महंगा है। नेक्स्ट है इसका साइड पैनल, ये वाला साइड पैनल देख सकते हैं, ये ब्रांड न्यू पीस है ब्लैक कलर का। ये वाला पार्ट, इसके साथ एक दूसरा पार्ट आता है वो रेड कलर का, ये बेस कलर वाला है। इसका MRP है, इसको पकड़ो, इसका MRP है 525 रुपीज़, देख सकते हैं। तो ये हो गया सेम 528 रुपीज़। और ये एक्चुअली राइट साइड का है और लेफ्ट साइड का, ये वाला ब्लैक पार्ट देख सकते हैं, ब्रांड न्यू पीस। ये हो गया। हमारे पास है इसका जो विंडशील्ड है जो कि इस जगह पे लगता है, विंडशील्ड का प्राइस मैं दिखाता हूँ। विंडशील्ड का प्राइस है 315 रुपये। और ये जो भी मैं आपको पार्ट्स वगैरह दिखा रहा हूँ सब कुछ हीरो का ओरिजिनल है, देख सकते हैं, ये बिल्कुल क्वालिटी बहुत बढ़िया है। इसका MRP है 290 रुपीज़, 290 रुपये। इसके पास इस भी और ये भी दोनों पीस है। और ये है हमारा साइड पैनल, इसका मतलब यहाँ पे जो लिखता है कि आपका सिंगल पार्ट में आएगा, सब कुछ यहाँ पे सिंगल ही मिलता है। और ये देखो ब्रांड न्यू पीस हीरो लिखा हुआ, स्टिकर पहले से आ रहा है कंपनी से। और इसका MRP है, इसका जो MRP है वो है 290 रुपीज़, पार्ट नंबर वगैरह देख सकते हैं। इसका जो MRP है वो है 320 रुपीज़, 310 रुपये। राइट साइड देख सकते हैं, राइट साइड पूरा ब्रांड न्यू पीस देख सकते हैं ये वाला। गाइस लास्टली ये यहाँ पे जो मास्क है हेडलाइट का, एक्चुअली इस जगह पे फिटिंग होता है इस तरीके से,
ये भी ब्रांड न्यू पीस है। इसका प्राइस है 1300 रुपीज़, 1300 कुछ रुपीज़। इसका जो पन्नी है वो मेरे पास है नहीं, बट ये ऑरिजिनल है। 1310 रुपये समथिंग इसका प्राइस है। ये ब्रांड न्यू पीस कवर। तो जो भी ओल्ड पार्ट्स है वो पहला मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद ये न्यू पार्ट्स लगाएंगे। भाई फेयरिंग खोलने में भाई हालत खराब हो गया, बट इसको मैंने अच्छी तरह से फिक्सिंग कर दिया है। और इसके इससे नीचे का पोर्शन टूट गया था, इसको मैंने जुगाड़ दिखाने वाला हूँ। आप भी कर सकते हो, मतलब हर बाइक में एफिबल है, एप्लीकेबल है। इसमें मैंने ड्रिल किया है और 10 नंबर का बोल्ट यहाँ पे अटैच कर दिया। तो इसको लूज़ करेंगे तो हेडलाइट आपका एडजस्ट, मतलब कंपनी से जैसा होता है वैसा ही होगा और टूटने कोई चांसेस है ही नहीं। टाइम देख रहे हो कितना है, अभी देखो टाइम है 9:15, अभी भी ये साइड पैनल और पीछे का पोर्शन बाकी है। चलिए जी करते हैं। फाइनल का सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और अभी टाइम बज रहा है 11:15। और इसका वाइजर में सब कुछ नया वाइजर है और इसका जो हीरो का स्टिकर है वो उठाया था। इसमें बहुत मज़ा आता है। और इसका वॉशिंग और सब कुछ आई थिंक और भी लगे। फाइनल इसका बाइक का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है वॉशिंग वगैरह करके और बाइक बिल्कुल चकाचक हो चुका है। ये नॉन एडिटेड फुटेज है, कोई भी कलर करेक्शन है नहीं इसमें, जो है यही है देख सकते हैं। और इसका मैं साउंड सुनने वाला हूँ। और ये बाइक इंजन मैंने ट्यून अप कर दिया है, अभी इसमें कोई भी इशू नहीं है, 11,000 RPM तक जाएगा और एक्सेल में स्टार्ट है। गाड़ी एक्सेल में स्टार्ट है देख सकते हैं और इसका मैं अभी 11,000 RPM तक जाएगा ये। बिल्कुल सेट है देख सकते हैं। तो इस वीडियो को यही पेंट करते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है, ये वाला रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो था, साइड पैनल वाला वीडियो था, तो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक करना है और चैनल पे नए हैं तो मैंने सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी कमेंट हो इस बाइक के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस बाइक का वीडियो हम नेक्स्ट टाइम जरूर लाएंगे अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो तो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।